हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, 45 डे में कौन सा स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो WBJEE में मैक्स टू मैक्स रैंक आ सके। मैं इस बात का गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे द्वारा दिए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, मैथ में आपका मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा। मैं आपको बता दूं, मैं खुद WBJEE का 2 बार एग्जाम दे चुका हूं ऑलरेडी। मेरा भाई IIM में, मेरे को भी IIM मिला था, पर मैं IIM एडमिशन नहीं लिया था। बस मैं इतना ही बोलता हूं, मेरे को नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े। मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर, साथ में NCERT और कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज है मैथ में, उसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट डिस्कशन किया हूं। इससे कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको मैथ्स के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, WBJEE का एग्जाम पैटर्न और सभी एग्जाम के कंपैरिजन में पूरा कंप्लीट डिफरेंट रहता है। इसी कारण से मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो कंप्लीट इन तक देखो। और मैं बता दूं, अगर चाहते हो भैया, जो आप नोट्स डाल रहे हो कहां पे डाल रहे हो, मैं उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूं। अगर कोई पर्सनली डाउट आता है, भैया कौन से कॉलेज एडमिशन लूं, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, भैया कहां का प्लेसमेंट क्या, उसके रिगार्डिंग वही बता पाएगा जो उस कॉलेज में पढ़ रहा है। ऐसा कोई भी डाउट आता है किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मेरा फ्रेंड है, मैं ट्राई करूंगा उसे इनवाइट करके अपने चैनल पे बुला देने का, या फिर कोई डाउट आता है मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तुम उससे बात कर सकते हो। तो जाके वीडियो को कंप्लीट इन तक देखो। और मैं बता दूं, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बहुत ज्यादा तुम्हारा हेल्प होगा। या WBJEE का ले लो, या कॉमेटके का ले लो, या VIT का ले लो, मणिपाल का ले लो, बीटसेट का ले लो, किसी का भी तुम काउंसलिंग करते हो, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आई विल हेल्प यू डेफिनेटली इन मच बेटर वे फ्रॉम द अदर। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो कंप्लीट इन तक देखना। बस इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखने के बाद WBJEE का एग्जाम में मैथ में तुम्हारा मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरा लास्ट वीडियो को आप देख ले। वहां पे मैं एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात किया था, और मैं बताया था क्या चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, उसकी रिगार्डिंग मैं अगला वीडियो में बना दूंगा। इस वीडियो जो मैं बनाया हूं उसमें से मैंने सारा डिस्कशन कर रखा है, मैथमेटिक्स कहां से पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, किस तरह का मार्किंग स्कीम है इसका, +1, +1, +2, +3 क्या है, सारा चीज को मैं लगभग डिस्कस करके बता दिया हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज उस वीडियो को देख ले। और आज मैं बताऊंगा मैथ में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर, प्लीज आप जाके लास्ट वीडियो को देख ले, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 को मैं एनालिसिस किया हूं। ये 3 साल का तो मेरे पास पेपर ही था, और उससे पहले का मैं प्रीवियस ईयर मेरे पास है। तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कौन कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, ठीक है। और मैंने बताया था कि NCERT का बुक कर लो, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे भैया NCERT से कुछ नहीं होगा, उस चीज को मैं प्रूफ देकर बताना चाहता हूँ। ये देख ले कि मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 क्या क्या वेटेज है, ठीक है। मैं अपना नॉर्मलाइजेशन किया हूं, और जो तुम्हारा 2021 का पेपर को मेरे पास है उसे मैं ट्राई करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देने का। और इसमें क्या है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर क्या पूछा गया इसे देख लो यार, मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद बताया हूं लॉग का क्या एनालिसिस है। और मैं बता दूं, मैं जिस चैप्टर में बताता हूं NCERT कर लो, उसके साथ मैं क्या करूंगा अपना नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, उसे देख लेते हो तो 100% तुम्हारा मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा। स्टार्ट करता हूं, अभी बताता हूं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का आपका सेकेंड बुक आप प्लीज कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है वो, भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेट, रिलेशन और मैपिंग। सेट रिलेशन ये क्या करना है, NCERT करना है, उसके बाद PYQ लगाना है। NCERT करके क्या करना है, PYQ लगाना है। एल्गोरिदम का जो है तुम्हारा, एल्गोरिदम का इसका मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास एक नोट है अल्गोरिदम का, मैं ऐसा करता हूँ अल्गोरिदम से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ उसके बाद कहाँ कहाँ से पढ़ना है। अल्गोरिदम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है, वो भी फ्री का, वो दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जा, मैं दिखा ही देता हूँ। एक मिनट, अल्गोरिदम इसमें क्या है, देखो ये सब क्वेश्चन है ना तुम्हारा, जो तुम्हारा ये प्रूफ करने वाला, यही सब क्वेश्चन तुम्हारा रहता है, प्रीवियस ईयर पलटा करके देखो एक बार, तब तेरे को पता चलेगा। मैं जितना भी दे रहा हूं उसका तुम अगर आंसर को भी याद रखते हो ना एक बार बना करके, बाकी इसका सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ये सब चीज अगर तुम देख लेते हो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बाकी तुम्हारा मन करना है करो वरना मत करो। बट एक बात याद रखना, WBJEE का एग्जाम का जो पैटर्न होता है कंप्लीटली सब एग्जाम से चेंज होता है,
इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह का मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी सेकंड बुक 100% मैं बोलता हूँ उसे करो यार, पूरा अच्छा से करो। इसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये सब क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, इसका क्या आंसर होता है ये देख करके रखो, कैसे सॉल्व होता है, इसमें अपना स्पीड को इंक्रीज करो, स्पीड मैटर करता है इस सब एग्जाम में, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, इतना अच्छा से दिया हुआ इसमें, मैं क्या बताऊं, पर मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, प्लीज एनसीईआरटी का सेकंड बुक को इग्नोर ना करें, ये आपका बोर्ड में भी हेल्प करेगा। एरिया अंडर कर्व का देख लो, इसे लंबा लंबा प्रोसेस होता है, उसका क्या है, अगर तुम ऐसा लगा ले तो सुपर ट्रिक है तुम्हारा, ये है इसका आंसर, पाई ए बी होता है, ये सब मतलब ट्रिक है, मैं इसे अपलोड करने का ट्राई करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर चाहिए नहीं भैया आप खुद डिस्कस करके बता दो कौन कौन सा ट्रिक कैसे लगता है, मेरे कमेंट सेक्शन में तो जरूर मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। पर एनसीईआरटी का सेकंड बुक को इग्नोर मत करना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लगभग अपने टाइम का बता रहा हूं, मैं 2 से 3-4 बार करके रखा था इसे, और मेरा बहुत सबसे ज्यादा मार्क्स मेरा मैथमेटिक्स में ही था, देख लो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सर है इसमें, इसको इग्नोर मत करना, बाकी तुम्हारा मन, बाकी तुम लोग का जैसा लगे वैसा करो, रिक्वेस्ट करता हूँ एनसीईआरटी का सेकंड बुक को करना, प्रोबेबिलिटी हो गया सारा चीज को करना, बहुत बहुत अच्छा से दिया हुआ है इसमें, वेक्टर 3D सब कुछ अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है। उसके चलो मैं बताता हूँ आगे क्या करना, एनसीईआरटी सेकंड बुक प्लीज करके रखना इसका। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद देखो मैट्रिक डिटरमिनेंट्स क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करने के बाद मैं एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट अच्छा से करना, याद करना कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा किस पैटर्न पे क्या बनता, कौन सा स्टेप क्या, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएगा, इतना सिर्फ अगर तुम कर लेते हो 50+ क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके एग्जाम में आओगे, गारंटी देके बोलता हूँ। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स का देख मैं बताता हूँ करना क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक मेरे पास है, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स कैसे फॉलो करना है, जैसे मैट्रिक डिटरमिनेंट देख, एनसीईआरटी सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी मेरा तो एक ही करना है, हम प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ एनसीईआरटी करना है मैट्रिक डिटरमिनेंट्स। उसके बाद क्या करना, मैं इसे अपलोड कर दूंगा, देखो इसमें क्या है ना, तुम्हारा एक सीक्वेंस बना हुआ है, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद तुम देख रहे जैसे क्या है, सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सबका क्या है पैटर्न बना हुआ है तुम्हारा, एक पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हारा मिलेगा, देख लो एक पैटर्न का है तुम्हारा। उसके बाद तुम ये सब कर लेते हो, उसका से ये है तुम्हारा एनसीईआरटी में, तुमको ये सब मिलेगा, उसका क्या आंसर है ये सब भी दिमाग में रखो, क्योंकि वहां पे क्या है स्पीड दिखाना है तुमको। देखो होमोजेनियस इक्वेशन का क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स हो गया तुम्हारा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स हो गया, एनसीईआरटी करके आओ, ये मैं अपलोड करता हूं, इसे कर लो, मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। बाकी ये सब देखो, उसके बाद क्या मैट्रिक्स का लास्ट में आईडी पोटेंस, नील पोटेंस वो सब था, वो सब कर लो, बहुत से एडवांस मैट्रिक्स ये सब तुम्हारा, आईडी पोटेंस है, नील पोटेंस है, पीरियोडिक है, ये सब क्वेश्चन रहता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तुम इसको इग्नोर कर दो, अभी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आओगे तब तुम पढ़ोगे, ठीक है। पर याद रखना इसका तुम्हारा पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया तुम्हारा, आईडी पोटेंस, नील पोटेंस ये सब आता है तुम्हारा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यही सब तुम्हारा आता है। प्लीज एनसीईआरटी करने के बाद मैट्रिक रिटर्न से ये कर लो, आप लिख करके देता हूं मैं तेरे को, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा तो बनेगा, इसी का गारंटी देता हूं। उसके बाद क्या करना, एनसीईआरटी करने के बाद मैं जो बताया हूं, एक दो क्वेश्चन करके उसके पीवाईक्यू लगाना, सारा पीवाईक्यू लगेगा। प्रोबेबिलिटी में मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने का नहीं है, एनसीईआरटी करो, प्रोबेबिलिटी में पूरा एनसीईआरटी, एक एक चीज कर लो, बोर्ड का अगर तुम एग्जाम दे रहे हो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर तुम्हारा बोर्ड हो गया, तुम रिपीट लिए हो, हाँ तुम प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, साथ में मैं तुम सबके लिए एक नोट्स अपलोड करता रहूंगा, उसे तुम लगा सकते हो। वेक्टर 3D में भी मैं क्या बताऊं, एनसीईआरटी है और सेम इसी टाइप का नोट्स वेक्टर 3D का भी है मेरे पास, प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक करके है, मैं उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसे तुम्हारा मैक्स टू मैक्स मार्क्स आ जाएगा, इसी में है तुम्हारा, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। वेक्टर 3D का देख क्या है तुम्हारा, टॉपिक बाय टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट का लगभग इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट का दिया हुआ है तुम्हारा, उसके बाद मैं बात करूं लगभग सारा टॉपिक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दिया हुआ है, सब क्वेश्चन करके दिया हुआ है, तुम यहां से लगा सकते हो, वेक्टर इक्वेशन तक से क्वेश्चन दिया हुआ है, यही सब, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ये सब क्वेश्चन तुम देखते होगे, तुम्हारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, पूछा जाएगा, ठीक है। वेक्टर 3D में हो गया, 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे कंफर्म है। उसके बाद तुम लास्ट का जो 10 दिन बचेगा तुम्हारा, लास्ट का 45 डे का स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, लास्ट का 10 दिन जो बचेगा उसमें तुम सिर्फ पीवाईक्यू लेकर के बैठ जाना, मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा तुम्हारा, और तुम्हारा रैंक लगभग उतना तो नहीं बोलूंगा मैं, 2K के अंदर तुम्हारा रैंक 100% होगा। जब मैं 5K के अंदर ला सकता हूँ, मतलब उस टाइम मैंने बहुत सारा मिस्टेक किया था, मैं नहीं चाहता हूँ वो मिस्टेक तुम करो, 2K के अंदर तुम्हारा रैंक आ जाएगा। इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन, देखो होगा क्या, इसमें क्वेश्चन आएगा तो इजी आएगा, सबसे बन जाएगा, टफ आएगा तो नहीं बनेगा सबसे। इसमें भी मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहता है, एनसीईआरटी करते हम, बाकी मेरे पास नोट्स है तुम्हारा, वो मैं एक पैटर्न का क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया उसमें, जैसे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का तुम्हारा देखो, एक एक क्वेश्चन एक ही पैटर्न का पूछा गया, यही सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन का पैटर्न एक बार पूछा गया है, मैं इसे भी अपलोड कर दूंगा, तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। सारा एनसीईआरटी ही कवर किया गया, इसमें घुमा घुमा के दिया गया, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ, इसमें घुमा के दिया हुआ है, पर क्वेश्चन वही, ठीक है। उसके बाद मैं, और देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स जो तुम्हारा, ये तुम्हारा एल्गोरिथम है एक्सपोनेंशियल,
ठीक है, इसका तुम्हारा सारा क्वेश्चन यहीं से तुमको मिलेगा। इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही कॉन्सेप्ट इसी पे तुम्हारा बनता है सारा क्वेश्चन, मात्र 22 क्वेश्चन है, इसे तुम कर लेना। इसी तरह क्वेश्चन तुमको मिलेगा, फॉर्मूला देख के रखना क्या है, तेरा सारा बन जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं डिफरेंट एओडी एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इसमें क्या करना, एनसीईआरटी करके आना, उसके बाद प्रीवियस ईयर, और मेरा शॉर्ट नोट्स जो है, तुम्हारा शॉर्ट नोट्स जो है उसे मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करो, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी करके जाओ, एनसीईआरटी करके जाओ, और मेरा नोट्स लगभग 2 पेज का मात्र नोट्स है, 25 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स होगा, उसे याद करके जाओ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे है। उसके बाद देखो, अगर तुम अभी क्लास 12th में हो, तुम बोर्ड का दे रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रखे हो, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा शॉर्ट नोट अपलोड है चैनल पे, तुम वहां जाके देख सकते हो। इतना कर लेते हो 12 क्वेश्चन तुम्हारा लगभग बन जाएगा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था टफ हो जाता है, इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, पर इसका जो मेरा शॉर्ट नोट्स है उसे तुम देख लेते हो तो बहुत ज्यादा तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया, तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज सारा का नोट्स है, मैं पर ट्राई करूंगा, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स का हो गया, ये सब कर लोगे, मैक्स टू मैक्स मार्क्स तुम्हारा आएगा। ये कब का है, ये देख ले मेरा, ये जब का इसका प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसे रहने दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तुम्हारा, ये सब तुम कर लो। उसके बाद ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला सब देख लो, मैक्स टू मैक्स मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा इसमें। और मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे देख ले तुम्हारा कुछ कुछ जैसे है ना बोर्ड में, और तुम्हारा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, ये चीज को तुम मैं बताना चाहता हूँ तेरे को, तू देख, एक मिनट रुक जा। जैसे देख, लिमिट ऐसे सम तुम्हारा बोर्ड में क्या आता है, प्रूफ करने के लिए आता है, और जेई में क्या आएगा तुम्हारा, जो है सोचो मत, फॉर्मूला को याद करो, इसमें अप्लाई करना ट्राई कर देना, बस बस जेई में क्या, मतलब बोर्ड में क्या रहता है, इसको प्रूफ करना रहता है। जेई में लिमिट एज ए सम को ही तुम्हारा एक नॉर्मल फॉर्मूला से तुम याद कर लो, बस यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए तुम्हारा। बस देखो, न्यूटन, लेबनीज थ्योरम, ये सब बोर्ड में नहीं है, पर इसके रिगार्डिंग तक क्वेश्चन बन जाए, जेई मेंस एडवांस तक का क्वेश्चन मैथ का बन जाएगा तुम्हारा, इसे तुम देखते हो तो। बाकी जैसे तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम देख लो कौन कौन सा है, ये सब कर लोगे तुम्हारा, ये तुम्हारा फॉर्मूला बेस तुम्हारा ये हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, यही सबसे क्वेश्चन बनता है, टाइम तुम्हारा यहीं पे बचेगा, बाकी लेंथी प्रोसेस तो सबको आता है, उसमें तुम्हारा क्या टाइम नहीं बचेगा, 100 क्वेश्चन को तुमको अटेम्प्ट लेना है वहां पे। उसके बाद ये फॉर्मूला तुम ट्रिग्नोमेट्री का देख लेना, बस इतना ही क्वेश्चन आता है। और देखो, इंटीग्रेशन में ना तुम एनसीईआरटी करके आए हो, उसके बाद देखो क्या पैटर्न बाय पैटर्न कर लेना, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन, टाइप 1 का एक क्वेश्चन कर लेना, टाइप 2 का एक क्वेश्चन कर लेना, यही सबसे क्वेश्चन घूमता है तुम्हारा, टाइप 3 का एक कर लेना, टाइप 4 का एक कर लेना, टाइप 5 का एक कर लेना, ये टाइप बाय टाइप सबका मैं एक अपलोड कर दूंगा, तुम उसे देख लेना, बस इतना ही करके जाओ, मैथमेटिक्स में सफिशियंट है। और जो बोलता है एनसीईआरटी नहीं करने, प्लीज उसका बात मत मानो, एनसीईआरटी करो, तेरा मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को स्ट्रेट लाइन से मिला है, सर्कल से मिला है, और ये सबसे हाइपरबोला से थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ मैं तेरे को, देखो इसमें तुम्हारा क्या है, तुम सारा चीज देख लोगे, तुम्हारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा स्ट्रेट लाइन से ही तुम्हारा मिला, स्ट्रेट लाइन से तुम्हारा क्वेश्चन मिला, मैं लगभग पूरा पेपर को एनालिसिस किया हूं, उसके बाद मैं वीडियो को बनाया हूं, ठीक है, देख लो सारा, ये तो मैं तो इसका फोटो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप अपलोड कर दूंगा, तुम देख सकते हो। बाकी 1 से 2 दिन के अंदर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी वीडियो बन जाएगा, देख लो, अभी भी मैं लास्ट अपने तरफ से सजेशन दे देता हूं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे फॉलो करना, और प्रीवियस ईयर लगा के देखो, मैक्स मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा ये मैटर करता है, तुम कहां से पढ़ रहे हो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है, और तुम अभी तक क्या किए हो क्या नहीं किए हो 1% का तेरे पर एग्जाम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करो। रिक्वेस्ट करते सबसे पहले क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक बना के रखना, बाकी कोई कुछ बोले एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता, जो आता मत मानो उसका बात, मैं 2 बार एग्जाम दे चुका हूं, मेरा भाई भी आईएम में पढ़ रहा है अभी, इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एनसीईआरटी को मत छोड़ना, प्रोबेबिलिटी देख लो, बोर्ड में मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा, वेक्टर 3D देख लो, इंटीग्रेशन अगर इजी आया तो सबसे बनेगा, नहीं आया तो किसी से नहीं बनेगा, उससे अच्छा क्या बेसिक फॉर्मूला देख करके लिखो, इसके बेसिस पे तुम्हारा कोई क्वेश्चन बनता है उसमें तुम कर लोगे, प्रॉपर्टी वाला कोई क्वेश्चन आता है उससे तुम कर लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी करो, बाकी मेरा शॉर्ट नोट कर लो, मैं सारा शॉर्ट नोट को ट्राई करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देने, कमेंट सेक्शन में बताना तुम क्या चाहिए, और देखो इतना कर लेते हो 50+ क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट ले लोगे, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और मेरा लगभग ये पहला वीडियो था, इसको तुम जरूर देख लेना, किस किस तरह से मैं स्ट्रेटेजी 75 में से अगर तुम 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हो सिर्फ इतना पढ़ने से, तो बाकी तो तुम कर ही लोगे, और बाकी जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आता है मेरे को मतलब बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। इतना चैप्टर को कर लो एओडी, उसके बाद तुम्हारा देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा, ये सब कर लो यार, बहुत बहुत प्रॉफिट होगा तुम्हारा, एलपी से भी मेरे टाइम एक क्वेश्चन आ गया था, ये सब इजी पोर्शन है, यहाँ से मार्क्स स्कोर करने का होता है। बाकी देखिए याद रखना, लॉग को अच्छा से करके रखना, मैं इसका डाल दूंगा अपना शॉर्ट नोट, बाकी सारा चैप्टर क्लास 12 का जितना चैप्टर है सबका शॉर्ट नोट मैं डाल दूंगा, मेरे को लगता है इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिला होगा, और किसी के बहकावे में ना जाए, प्लीज एनसीईआरटी को करें, एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, वरना एग्जाम से आने के बाद आप बहुत पछताएंगे, ठीक है, बस इतना ही रिक्वेस्ट करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस अब मैं ट्राई करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर आपका केमिस्ट्री का वीडियो बना देने का और आपका फिजिक्स का वीडियो बना देने का। बट एक बार याद रखना, यहाँ पे फिर से मैं एनालिसिस कर देता हूँ, एक बार
वीडियो को एंड करने से पहले सेट इसका ये तुम्हारा एनसीईआरटी लॉग का मैं डाल दूंगा तुम्हारा मैट्रिक डिटरमिनेंट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन फंक्शन क्या करना है पहले नॉर्मल तुम कॉन्सेप्ट ले लो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी इसका भी तुम क्या कर सकते हो एनसीईआरटी काम नहीं चलेगा इसका तुम प्रीवियस ईयर पहले इसका मतलब थ्योरी पढ़ लो उसके प्रीवियस ईयर लगाओ उसके एप्लीकेशन डेरिवेटिव एनसीईआरटी से काम चल जाएगा इंटीग्रेशन एनसीईआरटी काम चल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री सब फॉर्मुला देख लो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस करो वेक्टर थ्योरी डी ये सब एनसीईआरटी से काम चल जाएगा मैक्स टू मैक्स मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा जैसे तुम्हारा डायनेमिक ये सब तुम छोड़ सकते हो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब तुम छोड़ सकते हो बाकी मैं ट्राई करूंगा केमिस्ट्री फिजिक्स का एक से दो दिन के अंदर वीडियो बना देने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो इतना लंबा है तुम्हारा उसको पढ़ ही नहीं सकते हो जैसे मेरा शॉर्ट नोट हो गया तुम्हारा इसे तुम क्या कर सकते हो जैसे तुम्हारा पॉइंट स्लोप फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट नॉर्मल फॉर्म सबका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगभग एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने का ये सब चीज ठीक है अगर तुम इसे पढ़ लेते हो तो मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का शॉर्ट ट्रिक तुम्हारा क्या है ये सब मतलब बहुत आसान से तुम पढ़ सकते हो बाकी मैं क्या बोलूं अभी भी बताता हूँ एनसीईआरटी को करना ठीक है उसके बाद तुम ये सबको कॉन्सेप्ट को देखना एनसीईआरटी में ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो मैं क्या बताऊं कुछ पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ठीक है इसी का एनसीईआरटी को करो किसी का बात पे मत जाओ जो भी है तुम्हारा उसके बाद मैं ये सब तुम्हारा अपलोड कर दूंगा जैसे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का हो गया पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबका मेरे पास दो तीन लाइन का ही तुम्हारा ये से तुम्हारा पेयर ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर क्या इसका फॉर्मूला होता है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या क्या सब मैं इसके रिगार्डिंग अपलोड कर दूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सारा चीज को मैं इसका अपलोड कर दूंगा ठीक है बस इतना ही बोलता हूँ एनसीईआरटी करो एनसीईआरटी करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे बोलो भैया मैं एनसीईआरटी कर लिया आगे मैं क्या करूँ उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कुछ तुम लोग को अच्छा सोर्स बताने का जिससे तुम मैक्स टू मैक्स मार्क्स ला सको सब करने के बाद ब्रह्मास्त्र ये है ठीक है कोई भी एग्जाम दे रहे हो तुम मणिपाल बीटसेट वीआईटी कॉमेट के WBJEE कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसका एनसीईआरटी अच्छा से कर लो जेईई मेंस का बात नहीं कर रहा एनसीईआरटी करने का प्रीवियस ईयर पे आ जाओ उससे तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होगा बाकी कोई तरीका नहीं है मार्क्स इंक्रीज करने का ठीक है इतना ही बोलता हूं एनसीईआरटी करो उसके बाद किसी और पे जाओ फिजिक्स में एनसीईआरटी मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूं और कोई करता होगा मैं नहीं करता हूं मैथमेटिक्स में खासकर क्लास 12 का पोर्शन और एनसीईआरटी केमिस्ट्री मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं इसी से मेरा मैक्स टू मैक्स मार्क्स आया था बस इतना ही बोल रहा हूँ एनसीईआरटी करो और बाकी जो टॉपिक के रिगार्डिंग चाहिए जैसे मैं बता दूं मैंने लगभग आरएमओ का भी मैंने एग्जाम दे रखा था मेरा मतलब नहीं हुआ था उसमें पर मैं दिया हूं मेरे को आइडिया होता है क्वेश्चन वो समय एनसीईआरटी नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट पर मतलब ये सब एग्जाम है तुम्हारा एनसीईआरटी से ही आएगा देखिए मैं अपने टाइम का दिखा रहा हूं तुम्हें देख ले ये मेरे टाइम का जब मैं दे रहा था तो एक ही क्वेश्चन नहीं हिलता था इतना हार्ड क्वेश्चन था मेरे से पर वो सब फिर नहीं तुम्हारे यहाँ पे क्या लगभग 3 घंटा का एग्जाम था तुम्हारा 7 क्वेश्चन था देख लो उस समय का अलग बात था पर यहाँ पे ऑलवेज याद रखना क्या तुम्हारा यहाँ पे स्पीड देखा जाता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता ये सब एग्जाम में तुम्हारा कॉन्सेप्ट देखा जाता है ठीक है चलो और मैं और क्या बताऊं बस इतना ही बोलूंगा कर लो बाकी जो चैप्टर में प्रॉब्लम होगा जैसे ये सब कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ये सब रिगार्डिंग मैं डाल दूंगा ये सब तुम देख सकते हो कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से बनता है उतना लॉन्ग लॉन्ग तुम बना नहीं पाओगे और बाकी जो मेरे पास है वो है प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन है जितना एनसीईआरटी में और जेईई तक का सिलेबस जितना भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट सबके रिगार्डिंग 5-5 क्वेश्चन है वो कर लो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पर बट ऑलवेज मेरा बात क्या रखना एनसीईआरटी करने के बाद उससे पहले देखो रिजल्ट तुमको याद रखना है ए बी सी ठीक है ए बी सी यहाँ क्या हो गया बी सी ए सीक्वेंस बना हुआ है इसका रिजल्ट इसका ये होता है 111 इसका रिजल्ट ये होता है इसका रिजल्ट ये होता है ये सब यही सब चीज देखा जाता है स्पीड कैसा है तुम्हारा नॉलेज का चेक नहीं करता है बिट सेट हो गया तुम्हारा ये सब नॉलेज का चेक नहीं करता है बस और क्या बोलूं मैं अगर तुमको लगता है अगर हाँ एनसीईआरटी फालतू बुक है तो ठीक है तुम उससे दूर रहो कोई बात नहीं है बाकी मेरे ओपिनियन में मैं बोलूंगा एनसीईआरटी करने के बाद प्रीवियस ईयर करो और बाकी फिर भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे पर्सनली आके पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन जरूर अपना बताना ओपिनियन कैसा लगा वीडियो को इसी टाइप का वीडियो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स के रिगार्डिंग बनाऊं या फिर जो जो क्वेश्चन आ चुका है उसे भी मैं डिस्कस करूं तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं अगर इस वीडियो से आपका 1% भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ट्राई करना एक से दो दोस्त को शेयर करना उसका भी हेल्प हो सके मेरा भी हेल्प हो सके और कैसा है भैया अपलोड कर दो मैं ट्राई करूंगा इसे 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर देने का होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ट्राई करना एक से दोस्त को शेयर करना जिससे उसका भी हेल्प हो सके मेरा भी हेल्प हो सके और एनसीईआरटी इग्नोर मत करना चाहे कोई कुछ बोले एनसीईआरटी इग्नोर मत करना मैं ये शॉर्ट नोट सब जो मेरा 1 पन्ना 2 पन्ना का मैं उसे अपलोड कर दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।